हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स, गोल्ड और सिल्वर के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो हमने आपको लेवल्स दिए थे, उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ से देखिए, हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे और मार्केट ने पहले सबसे पहले मैं सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट करके दिया। फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट दोनों यहाँ से हिट हुए। उसके यहाँ से बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट हुआ मार्केट ने। फर्स्ट टारगेट इसी कैंडल पे हिट किया, सेकेंड टारगेट यहाँ हिट हुआ, थर्ड टारगेट यहाँ हिट हुआ। उसके बाद मार्केट ने हमें कोई एक्टिवेटेड टारगेट नहीं दिया बाई साइड का। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेल मूव लेना शुरू किया और मार्केट इसको पहले इरेज कर देते हैं हम यहाँ से। यहाँ से मार्केट ने नीचे गिरना शुरू किया और ये आपकी 5.5 से 6.5 वाली कैंडल है। यहाँ से 6.5 से 7.5 वाली कैंडल है। और इस टाइम पे यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आया था जो कि काफ़ी नेगेटिव रहा। उस नेगेटिव डाटा की वजह से मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी है। तो ये जो हम स्ट्रांग फॉल देख रहे हैं, ये नेगेटिव डाटा की वजह से है। और अभी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, रिवाइव कर सकती है। क्योंकि अगर डे के चार्ट देखें तो यहाँ पे देखिए, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ है। ड्रॉइंग्स ऑफ करते हैं और यहाँ से देखिए, यहाँ पर इस कैंडल पे देखिए मार्केट ने सपोर्ट बनाया। यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट काम कर रही है। अब कर्सर की तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए मार्केट काफ़ी नीचे तक आकर वापस ऊपर चली गई है। ये कैंडल ग्रीन बनी है, एक कैंडल रेड बनी है, डेक्स डोजी बन के वापस स्ट्रांगली ऊपर गई है। यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट फेस किया है और रेजिस्टेंस क्रिएट था। जब रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्रिएटेड था। काफ़ी टाइम तक मार्केट रेजिस्टेंस लेती रही, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स ले चुकी है। तो अभी एग्जैक्टली मार्केट इसी लेवल के आसपास पहुंची हुई है। तो अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। बट सेल साइड के लिए जो ये एक बड़ा सा गैप है ना, इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना होगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट इतना स्ट्रांगली जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे गिरेगी। यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क करते हैं। एक लेवल आप यहाँ पे मार्क कीजिए, यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी क्रिएट हुआ है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है, ठीक है। एक लेवल हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। दूसरा लेवल आप मार्क कर लीजिए एग्जैक्टली यहाँ पर। ये बहुत छोटा लेवल है बट ये अब इसको इरेज कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने एक लेवल जो मार्क कर रखा है, ये वाला लेवल, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है ना। आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए, ये एग्जैक्टली इस लेवल पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक ये लेवल आप मार्क कर लीजिए और दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है। अब हम चलेंगे अपने आवर्ली चार्ट पे, जहाँ पे इस टाइम पे मार्केट काम कर रही है। सबसे पहले डिसेसिव लेवल्स को मार्क करेंगे। फिलहाल हमारा डिसेसिव लेवल है 104.231 का लेवल। इस लेवल को आप एक्सटेंड करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए और इसको भी आप मार्क कर लीजिए ब्लैक कलर से। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए। लोअर लेवल टूटता है तो 103.996, 103.842 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद तो मार्केट काफ़ी नीचे गैप है हमारे पास। हिस्ट्री भी देख लेते हैं, एक लेवल और मार्क कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि कल भी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए एग्जैक्टली ये लेवल, इसको ग्रीन मार्क कर लीजिए। ये लेवल है 103.714, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट फेस किया और यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा हमारा आवरली चार्ट पे। अगर हम देखें, ये रहेगा हमारा लेवल 103.714 का। तो तीन लेवल्स हमने मार्क कर लिए। प्रोसिबिलिटी बाई साइड की है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और मार्केट ने अगर बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया तो 104.310, 104.361, 104.418, 510, ये हमारे लेवल्स रह सकते हैं बाई साइड के। इनको आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। हम बात करते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड देखिए ऑपोजिट जाता है डॉलर इंडेक्स के, सेम ऐसे ही हुआ। डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरा है तो गोल्ड काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बढ़ा है। यहाँ से देखिए मार्केट ने सेल साइड पे एक एक ही लेवल हिट किया है। उसके बाद मार्केट ने ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं किया, यहाँ डोजी बना और यहाँ पे भी एक बहुत वीक कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से बाई साइड एक्टिवेट किया। फर्स्ट टारगेट एक्टिवेट हुआ, यहाँ से मार्केट ने हिट किया, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, इसके भी ऊपर मार्केट काफ़ी ज़्यादा जा चुकी है। तो अब हम बात करेंगे कि कल कैसा मूव आएगा हमारे यहाँ गोल्ड में यहाँ पर। और डे के चार्ट पे चलते हैं, ड्रॉइंग्स ऑफ करते हैं। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली इस लेवल पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। पिछले यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर टच करी, यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली इसी पर क्लोज हो गया, ओपन हो गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद हमें 2360 का लेवल देखने को मिल सकता है।
जो कि हमने आवली चाट में मार्क किया होगा, हम अब आवली चाट पे ही मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रिसेसिव लेवल्स हमने मार्क कर रखे थे उनको हमें वापस से ग्रीन में कन्वर्ट करना है। और देखिए एक तरह का इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनता हुआ नज़र भी आ रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएटेड है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2, 3, 4, 8 ये एक लेवल है, इसको आप ब्लैक मार्क कर लीजिए, रिसेसिव लेवल रहेगा। बाई साइड के लिए रहेगा 2, 3, 5, 2। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी लेवल्स आपको यहाँ पे आसपास नज़र आ रहे हैं उन सबको आप ग्रीन में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे टारगेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर मार्केट इन लेवल्स को नीचे की तरफ तोड़ती है तो हमें सेल्स हिट का ट्रेड देखने को मिलेगा। सबसे पहले मार्केट हिट करेगी 2, 3, 4, 6 को। 2, 3, 4, 6 के बाद मार्केट हमें मूव देगी 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 3, 5 का। ये हमारे रहेंगे सेल्स हिट के टारगेट्स। बाई साइड की तरफ अगर मार्केट जाती है तो सबसे पहले 2, 3, 5 को बहुत ईजिली हिट कर जाएगी। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तभी हमें 2, 3, 6, 0 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये लेवल्स हमें कल काफ़ी गाइड करेंगे। और गोल्ड नीचे की तरफ जा सकता है, इन्वर्टेड हैमर टाइप बनता हुआ नज़र भी आ रहा है। और क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है गोल्ड हमें इंडिकेशन भी दे रहा है कि वो नीचे की तरफ जाएगा। सिल्वर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्केट ने हमें पहले सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट करके दिया। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट हिट किया, लास्ट टारगेट एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने, एक बार इसको हम इरेज कर देते हैं, बाई साइड का ट्रेड एक ही बारी में फर्स्ट टारगेट को हिट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, हमें मार्किंग्स को पहले मॉडिफाई करना है। एक ये लेवल है इसको आप ग्रीन में कन्वर्ट कर लीजिए, और जो ये लेवल है इसको भी आप ग्रीन में कन्वर्ट कर लीजिए। 2, 30.68 ये हमारा रिसेसिव लेवल रहेगा। ये ब्रेक हुआ तो 30.91, 31.09, 31.25 हमारा टारगेट आएगा। और अगर इसको मार्केट नीचे की तरफ ले जाती है, देखिए अब फिर से मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, मैंने आपको एक दो दिन पहले भी आपको ये चीज़ शो करी थी चार्ट पे। मार्केट क्या काम कर रही है, देखिए यहाँ पे प्राइसेस कॉन्टिन्यूटी में ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से वॉल्यूम कॉन्टिन्यूटी में नीचे की तरफ गिर रही है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, जब ऑपोजिट इंडिकेशन मिल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से XAU XAG USD जो है नीचे की तरफ गिरने की पॉसिबिलिटीज़ की 99% है। ठीक है, तो आप मार्क कर लीजिए, ये डाइवर्जेंस आ रखा है और नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है, बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो सेल साइड के लिए अगर ट्रेड मिलता है तो आप बड़े इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बाई साइड ट्रेड मिलता है तो उसको आप सस्पिशियस रखिएगा उस ट्रेड को। उसको आप नोटिस कीजिएगा कि कहाँ पर मार्केट आपको रिवर्सल देने वाली है। तो बाई साइड अगर आप देते हैं ट्रेड तो थोड़ा सा कॉशियसली प्लान कीजिएगा। तो अगर यहाँ से मार्केट सेल साइड देती है हमें ट्रेड, तो हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 30.58। नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे हमें एक लेवल मार्क करना होगा, ये देखिए यहाँ से मार्क किया है। यहाँ से क्यों मार्क किया आपको नज़र आ गया होगा लेवल मार्क करने के बाद कि यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया है तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकती है, तो इसलिए हमने मार्क किया 30.43, 30.34, 30.24। ये हमारे लेवल्स रहेंगे सेल साइड के, इनको आप अपने चार्ट में मार्क कीजिए। और बात करेंगे सिल्वर की, कल इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है जिसको हम डाटा एनालिसिस की वीडियो में आपको शो कर दूंगी। आज सर ऑफ पर है, ट्रैवलिंग में है, तो कुछ देर वो ट्रैवलिंग में ही रहेंगे, तो इसलिए आपको मैं शो कर दूंगी कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पर कौन कौन से डाटा आने वाला है। यहाँ पर देखिए सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट किया, उसके बाद मार्केट ने वापस बाउंस बैक किया। बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट करती हुई नज़र आ रही है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, लेकिन अभी तक अभी 14 मिनट बचे हुए हैं इसको कैंडल को क्लोज होने में। तो अभी हम शॉर्टिंग के साथ नहीं कह सकते कि मार्केट किस तरफ का मूवमेंट लेगी, लेकिन पॉसिबिलिटी और कैंडल का स्ट्रक्चर देखकर और वॉल्यूम देखकर ये लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, सिल्वर थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल के लिए यही दोनों डिसिसिव लेवल्स, एक ये डिसिसिव लेवल रहेगा हमारा 91,806 का, 91,224 को हम ग्रीन मार्क करेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो 92,794 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 93,317 सेकेंड, 93,852 थर्ड टारगेट रहेगा। इसके तहत ही अगर मार्केट नीचे की तरफ रिवर्सल लेती है तो 91,224, 90,290 ये हमारे सेल साइड के मूव्स रह सकते हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए। और यहाँ से आपको टेक्निकल लेवल्स मिल जाएंगे। फंडामेंटल्स के लिए आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो को देखिएगा, उसमें जितना भी पॉसिबल डाटा होगा मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। और टाइम फ्रेम्स नोट कर लीजिएगा, उसके बाद परफेक्टली रेडी होंगे कल के ट्रेड्स के लिए।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।